आज के दूसरे पड़ाव पे हम आ चुके हैं विद्याधर बाग। विद्याधर बाग में एक पीला महल भी है, तो मैंने टिकट वगैरह अपना चेक करा लिया है। मैंने बता रखा था ना कि 400 का टिकट ले रखा हूँ, तो उसी टिकट से मेरी एंट्री हो गई यहाँ। 400 का टिकट लिया यार, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, आप चाहो तो ना भी लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा जगह घूम नहीं पाया। 7-8 जगह एंट्री है इससे 400 रुपये वाले टिकट से, बट अब कितना घूमोगे यार, लिमिट होती है 2-3 दिन के ट्रिप में, और टिकट की वैलिडिटी होती है 2 दिन, तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है लेना, ऐसे आपकी मर्जी है। ये है वो बाग, मतलब विद्याधर जो थे ना वो थे एक्चुअली, और सवाई मानसिंह जो थे राजा, उनके आर्किटेक्ट थे, और उन्हीं की याद में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस शहर को बसाने में, इसमें इमारतें बनवाने में, उन्हीं की याद में ये जगह डेवलप किया गया, तो जिसे नाम दिया गया विद्याधर बाग। इसी को पीला महल भी कहते हैं, येलो कलर तो रीज़न तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये ऊपर का हिस्सा था, अब मैं बाग के नीचे चलता हूँ, फिर बाग के दूसरे हिस्से में चलूँगा, है काफ़ी बड़ा है। तो इस जगह पे अगर जब आप इधर आते हैं सिसोदिया महल की तरफ या सिसोदिया बाग की तरफ, तो ये सबसे बड़ा एरिया होता है। धूप काफ़ी हो चुकी है, मुझे नीचे गार्ड ने बताया कि ये सामने जो दिख रहा है ना, ये घास पे चल के ही जाना होगा। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि घास पे चलना अलाउ नहीं है, जैसे मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, लेकिन ऊपर चलूँगा तो मुझे डर लगता है। आप देख सकते हो नीचे कितना 30 फुट गहरा है, गिरा तो हाथ पैर सर नाक पैर हाथ सब 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 टूट कर गया, 2-2 बार टूटेगा, 1 बार नहीं टूटेगा, इतना ख़तरनाक है, इसलिए मैं नीचे आ जाता हूँ घास पे। रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, परेश रावल याद है ना। अच्छा, ये साइड में जो दीवार के किनारे किनारे जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं छतरियाँ। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट करने के लिए यार कौआ हुआ ने तो पूरा एकदम घिना रखा है। असल में मैं भारी बैग लेकर के ना ट्रैवल कर रहा हूँ, तो थक जाता हूँ, तो हँपने लगता हूँ, तो आपको आवाज़ अजीब तरह की मतलब सुनाई देती होगी, थकी थकी सी, क्या करें, ट्रैवल तो करना है, चाहे जो हो जाए। चाहे जितने मुसीबतें उठानी पड़े उठाएंगे, बट ट्रैवल करना नहीं छोड़ेंगे। मैं जैकेट उतार के रख देता हूँ, बैग में जगह नहीं है, जैसे तैसे घुसा देता हूँ। बड़ी मुश्किल से बैग में थोड़ी सी जगह बची हुई थी, उसी में मैंने अपना जैकेट घुसा दिया। अब थोड़ा सुकून मिल रहा है, जैकेट ना क्या पूरा पसीने से भर जाता है वो, ये बहुत मोटा वाला जैकेट है ना, मैं तो दिल्ली का ठंडी जैसा सोच के आया था, बट राजस्थान में इतनी ठंडी नहीं पड़ती है, तो पसीने बहुत आ रहे हैं। ये नीचे उतरने का रास्ता है, इससे हम नीचे की तरफ चलते हैं। मुझे कुछ रिव्यूज़ आए हैं वीडियो पे, हमारे साहब ने कॉल करके बताया कि भाई आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, तो थोड़ा स्पीड मेंटेन करो। तो मेरी कोशिश है कि आज के वीडियोस में उन सब बातों का ध्यान रखा जाए। ये पीला महल है, इसका एक फ़ोटो ले लेता हूँ जब तक। कुछ फ़ोटोज़ और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह बना दिए, यूट्यूब शॉर्ट्स वायरल बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं उसको बनाते रहता हूँ, तो वो सब बना दिया है, कुछ फ़ोटोज़ ले लिए हैं, और अब चलते हैं निचले हिस्से की तरफ। नीचे भी ध्यान रखना पड़ता, सीढ़ी से ऊपर रहा हूँ ना, गिर जाऊँगा तो फिर वीडियो में आप लोग हंसने लगोगे, तो उस बात का भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है। ये देखो निचला हिस्सा, नीचे से कुछ कुछ ऐसा दिखता है। अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा से आपको, ये है पीला महल का अंदर का हिस्सा, और मार्बल लगा हुआ है, मार्बल है ना, हाँ मार्बल है, वाइट जो होता है वो मार्बल होता है, और ब्लैक वाला ग्रेनाइट होता है। मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में, क्योंकि ये मेरा फैमिली बिजनेस हुआ करता था लॉकडाउन के बदले, लॉकडाउन से पहले, एंड थैंक्स टू लॉकडाउन सब कुछ टूट फूट गया, तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत पहचान है इसकी। ये महल के अंदर का हिस्सा है, और एक आर्किटेक्ट की याद में बना है, आप ये किसी राजा के लिए नहीं बना है, मैं बता दूँ किसी राजा ने नहीं बनवाया है, और ये कोई बहुत पुराना नहीं है, ये है लगभग 50 साल, हाँ 80s में बनाया कह सकते हो, लगभग 50 साल पुराना बिल्डिंग है। तो एक आर्किटेक्ट जो थे यहाँ के, देव क्या नाम था यार, बताया था ना नाम पहले, हाँ वही, तो उनकी याद में बना है। इस गार्डन की खासियत ये है कि ये कम से कम 5 लेयर में बना हुआ है, टॉप से मैं आया, फोर्थ पे आया, अभी थर्ड पे हूँ, फिर सेकेंड है, फिर ग्राउंड है, मतलब एक तरह से समझो वो मल्टी स्टोरेज गार्डन है ये। उसके बाद में इसे फवारे लगे हुए हैं और वो चलते भी हैं, आज तो ठीक है मोटर वगैरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उस टाइम में कैसे पानी का ट्रांसफ़र होता रहा होगा, मतलब अच्छी खासी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। ये थर्ड फ्लोर कह सकते हो आप इसको, टॉप फोर्थ थर्ड पे आया, फिर ये सेकेंड है, फिर नीचे है,
तो कुल मिलाकर के काफ़ी बड़ा गार्डन है और अच्छा भी है, भीड़ भाड़ नहीं है, भीड़ भाड़ से दूर है, लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, लोग ज़्यादा चले जाते हैं वही जोधाबाई का जो था आमेर फोर्ट, वहीं चले जाते हैं सब, क्योंकि लोगों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं है। अब क्या है ना कि वो जोधाबाई सीरियल वगैरह मूवीज़ के थ्रू बहुत फेमस हो गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। उसके अलावा भी जयपुर में बहुत कुछ है, अगर आप लोग आओ तो ये सब ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कम लोग आते हैं बट ये बहुत अच्छी जगह है। देखो पीछे एकदम पहाड़ है, आज तो थोड़ा धूप भी है, अगर धूप नहीं होता तो सोचो और कितना खुशनुमा मौसम होता, तो खुशनुमा मौसम, अच्छा खुशनुमा में जो बड़ी सीन होगी और मौसम में छोटी सीन होगी। तो ये रहा।